राम राम जी, आदाब सत श्री अकाल जी। हेलो जेंटलमैन, सर जेंटलमैन, आज कुछ इन्फॉर्मेशन है और थोड़ी मज़े भी करेंगे। मेरे पास शार्प का वीसीआर आया है, जिसका मैंने, हम पंजाबी में बोल देते हैं, टापा खोल लेना। सो टापा खोल लिया बाबे। सो ऊपर का ढक्कन मैंने कवर हटा लिया है। सो जेंटलमैन, शार्प का है जी, मेड इन जापान। ठीक है, देखेंगे अंदर से कैसा है और थोड़ा सा चला के दिखाएंगे, मज़े लेंगे। ठीक है जी, मेड इन जापान है। पल और एंटी एसी और मेस कैम, तीन फॉर्मेट होते हैं। ये देखिए, तीन फॉर्मेट पे ये चलता है। कलर मोड, पल, एंटी एसी और मेस कैम। ठीक है जी, और जेंटलमैन ये देखिए, एंटी एसी। सो जेंटलमैन ये देखिए, एंटी एसी प्लेबैक ऑन पल 60 TV, ऑटो वोल्टेज 110-240 वोल्ट, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो वाइपर। क्या बात है। सो ये इसमें फीचर हैं जी। सो ये रिकॉर्डिंग भी करता है और अमेरिका में भी चल जाएगा और इंडिया में भी। ऑटो वोल्टेज सिलेक्टर है, मतलब आपको इसमें वो नहीं लगाना पड़ेगा, वोल्टेज सिलेक्टर या फिर कन्वर्टर नहीं लगाना पड़ेगा। VHS, ठीक है जी। VHS का क्या मतलब होता है? वीडियो, HS, सो बताना। पल HQ मतलब हाई क्वालिटी पे चलता है। यहाँ पे बंद हो जाता है, स्टॉप, इजेक्ट है, पॉज है, रिकॉर्डिंग है। ये इसकी छोटी सी स्क्रीन है, ठीक है जी। और ये है रिवर्स फॉरवर्ड। सो चलिए, ये इसके अंदर का है। सो ये इसके हेड की कंडीशन है। सो ये देखिए, क्या जापान ने कैसी चीज़ें बनाई थी, बड़ा अच्छा लगता है। सो मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसेट अंदर डाल के कैसे जाएगी अंदर कैसेट। सो ये देखिए, ये मेरे पास NTSC की कैसेट है, पल की नहीं है, NTSC की है। सो ये देखिएगा, लोडिंग ले ली है। वाव, ये जो घूम रहा है ये इसका हेड है, और ये वाला हेड है इसका, ये वाला, ठीक है जी। ये वाला जो है, इससे वॉल्यूम आता है, साउंड हेड बोल देते हैं इसको, ये वाला। एंड अभी प्ले नहीं है, सो प्ले करूँगा तो फोटो आ जाएगी टीवी पे। सो ये लीजिए, मैंने प्ले कर दिया है, और यहाँ पे प्ले का आ गया है निशान, और वहाँ पे फोटो भी आ गई है, पैनासोनिक। और ये लीजिए, क्या बात है, गजब फोटो है, बड़ा साफ चल रहा है। ये देखिए, ये NTSC चलाई है मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये बिल्कुल सेंटर पल पे है। सो ओए होए, ये मैंने सेंटर पल पे कर दिया है, तो ये इस तरह की कुछ आएगी। सो ये फॉर्मेट नहीं लेगा। तो ये है मेस कैम। सो मेस कैम पे भी नहीं चलेगी बिल्कुल, यहाँ पे ऑटो या फिर NTSC यहाँ सिलेक्टर है। सो ये देखिए, चल पड़ी है हमारी NTSC कैसेट। और ये देखिए, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। सो जेंटलमैन, ये हमारा हेड घूम रहा है, थोड़ी मैं वॉल्यूम कम कर लेता हूँ। ये देखिए, हमारा हेड घूम रहा है, किस तरह से इसमें मशीनरी लगाई हुई है जेंटलमैन, बड़ी ही खूबसूरत ये चीज़ है। ये हेड हमारा घूम रहा है और यहाँ से साउंड आ रहा है। और फिर से देखिए, मैं आपको स्टॉप करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा मज़े लेते हैं यार ऐसे ही। सो जेंटलमैन, ये है जी अंदर से इसकी कंडीशन। देखिए क्या क्या लगा हुआ, कितना यार जुगाड़ है। वो देखिए, हमारी कैसेट घूम रही है, और ये एक तरफ से निकल के एक तरफ को घुस रही है। सो मैं इजेक्ट करता हूँ। सो ये देखिएगा कैसे ये छोड़ देगा सारा कुछ। सो ये भी कैसेट हमारी छोड़ दी है और ये गया बाहर, ठीक है जी। और फिर से मैं अभी इसको इंसर्ट करता हूँ, अंदर करता हूँ। ये भाई साहब आ गए हैं,
बाहर। अभी प्ले करते हैं, ये मैंने प्ले कर दिया है। सो ये इस तरह पे ये काम करता है। सो चलिए अभी फॉरवर्ड रिवर्स भी करेंगे हाई स्पीड पे। सो ये यहाँ पे कैसेट जो है एक तरफ से निकल रही है और इस तरफ इकट्ठी हो रही है। सो मेरे सीनियर्स, ये देखिए, वाव, मुझे पता नहीं क्या क्या है इसमें लगा हुआ। सो आप ही मेरे सीनियर बता सकते हैं इसमें क्या क्या है। सो चलिए स्टॉप करके मैं हाई, चलिए फॉरवर्ड करता हूँ मैं। अभी देखना कैसे रेस बनेगी पूरी। सो ये अभी रेस बनने वाली है, ये देखिए। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, अभी आवाज़ आएगी बहुत तेज और चाकते फटे। ये देखो यार, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ देख के। देखिए फॉरवर्ड हो रही है बहुत हाई स्पीड से। और क्या क्या दिखाऊं यार इसमें, ये देखिए, वाह, जापान ने कैसी चीज़ें बनाई थी। ये देखिए हेड कैसे घूम रहा है, जैसे आटा चक्की चलती हो। सो जेंटलमैन, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बड़ा मज़ा आता है ऐसे ही मशीनरी अंदर से काम करती है। और ये सर्वो कंट्रोल होते हैं मैंने सुना है, और इन्हीं की बदौलत मशीनरी जो थी वो इंडस्ट्री में आ सकी। सर्वो कंट्रोल हमारी मशीनरी काफ़ी बड़ी से बड़ी होती है। सो चलिए प्ले करते हैं। सो मैंने प्ले कर दिया है। लो जी, हमारी वीडियो आ गई है। सो साउंड भी एक बार सुना दूं मैं आपको यार, चलिए साउंड सुन कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा लग रहा है, ये क्लियर पिक्चर है। वाह, सो अभी हम मतलब इसी तरह फॉरवर्ड करेंगे, स्टॉप करके नहीं। सो फॉरवर्ड हो रही है हमारी जो कैसेट है, ये देखिए फॉरवर्ड होने लग गई है। सो ये आगे के आगे निकलती जा रही है। क्या पुराने दिन यार, याद आ गया, याद है, याद करिए वो दिन। ऐसे बैठते थे फैमिलियों के साथ, ऐसे हम बातें करते थे, टीवी देखते थे, फिल्में देखते थे वीसीआर के ऊपर। सो प्ले करते हैं, देखिए। चलो रिवाइंड भी कर लेते हैं, रिवाइंड भी दिखा देता हूँ आपको। सो ये रिवाइंड करने लग गया है। सो ये देखिए, प्ले करते हैं। सो बहुत ही अच्छा वर्किंग है, क्या क्या कहें मतलब इस चीज़ के बारे में। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है VCR जो है, M2 इसका मॉडल नंबर है, शार्प। तो मैं टाइटल में भी दे दूंगा। सो कुछ मैं आपको इसका, चलिए बैक साइड भी दिखा देता हूँ। सो जेंटलमैन, मेड इन जापान तो है ही ये। ये देखिए मॉडल नंबर VCM2E, मेड इन जापान। ठीक है जी, वीडियो कैसेट प्लेयर शार्प का है ये। यार ये वीडियो कैसेट प्लेयर VCP है ये, VCR मैं क्यों बोल रहा हूँ, फिर इसके आगे रिकॉर्डिंग भी लिखा हुआ है, ये समझ नहीं आई बात। सो जेंटलमैन, ये यहाँ पे मैंने लगाई हुई है इनपुट और ऊपर आउटपुट है। और ये कितने हेड है, हेड भी लिखा होता है। सो चैनल और एंटीना यहाँ पे लगता है, ये देखिए सिस्टम BGDK, ये है इसका एंटीना, RF एंटीना नीचे वाला। सो जेंटलमैन, मैंने खोल के दिखाया है यार, मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं मेरे पास, VCRs कम आते हैं और ख़ासकर ऐसे जो पोर्टेबल होते हैं शार्प का। ठीक है जी, सो ये मैंने सारा बता दिया है आपको। इसको चलिए अभी मैं ढक लेता हूँ। सो इसके दो नट है वो पीछे लगेंगे इसके। सो ये है जी VCR, और बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। इसका ये
द्वार नहीं है, मेन द्वार नहीं है इसका, जो आगे यहाँ पे होता है, ठीक है जी। सो चलिए, ये है जी VCR, और जेंटलमैन मैंने आपको दिखा दिया है, ये आपको मिल जाएगा 3000 में, 3000 रुपए का ये आपको मिल जाएगा। कोरियर चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, ऑल इंडिया कहीं पे भी आप मंगवा सकते हैं। सो कैसी लगी वीडियो जेंटलमैन, कमेंट करके बताइएगा। और जेंटलमैन मेरा चैनल देखते रहिए, एंटीक शॉप इंडिया, जुड़े रहिए एंटीक शॉप इंडिया के साथ, यूट्यूब देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, आप हंसते मुस्कुराते तंदुरुस्त रहें, यही दुआ है मेरी।